तो आज हमारे मुक्तेश्वर ट्रिप का डे 3 और देखते हैं मैं आपको आज कहाँ कहाँ की सैर कराती हूँ। तो चलिए तो आज हम लोग जाने वाले हैं खेतों की ओर। यहाँ पर खेत का रास्ता घर से ही निकलता है। यहाँ पर खेत और घर बहुत ही पास पास होते हैं। ये हैं इनके पालतू जानवर जो हैं बफेलोज और गोट्स। ये इनके डेली वर्क में बहुत हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं घरों के बीच में से खेतों की तरफ। जैसे मैंने बोला कि ये खेत और घर बहुत पास पास होते हैं, तो रास्ता भी घरों के बीच में से ही होता है। तो हम जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे पालतू जानवर, लोग और घर दिख रहे हैं। तो ये हम घुस गए हैं खेतों के अंदर। आप जितने ये जितना भी देख रहे हैं, ये पूरा खेत है, ये पूरा फार्म है। और आप जितने भी ये वाइट फ्लावर्स देख रहे हैं, वो पूरे आलू की खेती है। ये पूरे आलू ग्रो हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये पूरा एरिया ये पूरा फार्मिंग के लिए यूज़ होता है। ये पूरे एरिया में अगर हम ऊपर देखें तो हमें सारे घर दिख रहे हैं। तो मतलब वही है कि घर इनसे बहुत पास होते हैं, क्योंकि लोगों का यहाँ पे रोज़ आने जाने का काम होता है। लोग रोज़ फार्मिंग करते हैं। यहाँ का वो की है फार्मिंग करना, तो इन लोगों को रास्ता चाहिए जाने के लिए। और अब हम बीच में आ गए हैं, हमने थोड़ा सा डिस्टेंस चला है, तो हमें आगे तक सिर्फ फार्मिंग का दिख रहा है, सिर्फ फार्म दिख रहा है, सिर्फ खेत दिख रहा है। और ये आप जितना भी देख रहे हैं सारे वाइट फ्लावर्स वाले, ये पूरी आलू की फसल है। और इन्हीं के बीच में से रास्ता जाता है। और यहाँ पर पीचेस की भी खेती हो रही है। आप देखेंगे ये जितने भी पेड़ हैं यहाँ पर, ऊपर सारी पीचेस की है और नीचे वाइट फ्लावर्स वाले पूरे आलू हैं। ये पूरा जितना भी देख रहा है, ये पूरा एरिया, यहाँ पे जितने भी वाइट फ्लावर्स वाले क्रॉप्स हैं, ये पूरी आलू की खेती हो रही है। लाइक ये वास्ट है, ये बहुत है। और फिर हमें यहाँ पे पेड़ों में हमें पीचेस पे की खेती बहुत दिखी, जो यहाँ पे पॉपुलर है बहुत ज़्यादा। इसलिए यहाँ को कहा जाता है लैंड ऑफ एप्पल्स एंड पीचेस। और यहाँ पे प्लम्स भी बहुत होते हैं। और ये देखिए यहाँ के पहाड़ी नींबू जो बहुत बड़े हैं, बहुत। और हम और यहाँ पर सिर्फ बड़े ही काम नहीं करते, बट छोटे भी बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ में हमें कुछ बच्चे दिखे थे जो अपने मम्मी पापा की बहुत हेल्प कर रहे थे फार्मिंग में। और यहाँ हमें फिर से पीचेस दिखे जो बहुत बड़े हो चुके हैं, और ये आने के आपके पास आने के लिए तैयार हैं। हमने इनको देखा तो ये तो इतने अच्छे लग रहे हैं कि मन कर रहा है बस लेके खा लें। ये एकदम तैयार हो गए हैं अच्छे से आपके पास आने के लिए। और फिर अब हमें दिखी एप्पल्स का एप्पल ट्रीज। यहाँ पे एप्पल्स बहुत सारे ग्रो हो रहे थे, जैसे मैंने कहा कि लैंड ऑफ एप्पल्स। ये अभी बहुत छोटे छोटे हैं, इनको बहुत टाइम लगेगा अभी ग्रो होने में। ये आपके पास जुलाई अगस्त के टाइम में ये रेडी हो जाएंगी, और तब तक आपके पास शिप होके आ भी जाएगी, क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं। हमने छुआ तो एकदम छोटे छोटे हैं। लाइक यहाँ पे जैसे लेमन्स मिलते हैं, वैसे ही ये छोटे छोटे एकदम एप्पल्स हैं, जो अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए हैं। और ये हमें एप्पल ट्रीज के नीचे मिली थी कीवी की फार्मिंग। यहाँ पे अभी कीवी पूरी तरह से ग्रो नहीं हुए हैं, पर ये कुछ टाइम में तैयार हो जाएंगे। और यहाँ वापस हमें पीच मिल गए जो बहुत टेस्टी लग रहे थे। ये एकदम तैयार हो गए हैं पिछले पीच की तरह। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे हैं ना। गेस व्हाट, ये कॉलीफ्लावर्स हैं। इन्हें थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा टाइम लगेगा तैयार होने में। और फिर गेस व्हाट, हमें मिली अनियंस की खेती। ये भी अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए, इन्हें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और फिर हमें अनियंस के बाद मिले यहाँ की पम्पकिंस,
ये पम्पकिंस नॉर्मल पम्पकिंस की तरह नहीं है, ये बहुत पतले होते हैं, इन्हें पहाड़ी पम्पकिन कहा जाता है। ये नॉर्मल पम्पकिंस की तरह बड़े नहीं होते हैं, बट छोटे और पतले होते हैं। और फिर ये हमें मिली मिंट लीव्स, इनकी भी यहाँ पे छोटी सी फार्मिंग हुई है और ये बाउंड्रीज पे लगे हुए हैं। और फिर हमें मिली कॉलीफ्लावर की खेती, और यहाँ पे हमें गैस व्हाट बहुत प्यारी सी कैट मिली जो हमें देख के भाग गई थी। और फिर हम आगे बढ़ते रहे और हमें एक सैक्स मिले बहुत सारे जिसमें कॉलीफ्लावर्स थे, और ये आपके पास आने के लिए रेडी हैं। ये पीचेस रेडी हैं आपके पैक होके आपके पास आने के लिए, ये सारे। यहाँ पर हमें रास्ते में एक काली गाय मिली जो हमें देख के बहुत एग्रेसिव हो गई थी, पर हम आंटी की हेल्प से थोड़ी आसानी से यहाँ से निकल गए थे। यहाँ पर घरों में गार्लिक को पंच में रखा जाता है ताकि ये अच्छे से सूख जाए और ज़्यादा दिनों तक बने रहे। और फिर हमें यहाँ पे वेजिटेबल्स मिले जो अभी अभी एकदम फार्म से आए हैं, और इनको अभी नीचे रखा गया है ताकि इनकी नमी चले जाए। और फिर ये कुछ गांव के बच्चे जो हमें देख के अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए एक्साइटेड हो गए थे, और ये वही कैट जो हमसे डर के भागी थी, ये भी फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ गई वापस। तो बाकी सबकी तो फ़ोटोज़ हो गई, अब हमने सोचा हमारी भी फ़ोटो हो जाए, क्योंकि इतनी अच्छी जगह पे हम गए थे तो मेमोरीज तो बची रहनी चाहिए ना, कि हाँ हम लोग इतने ऑसम प्लेस गए थे।